गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। इसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो चौथा प्राइमरी सोर्स है पेज नंबर 24 में, उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो है थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस इन धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में कौन से थ्योरीज दिए गए हैं और क्या क्या प्रैक्टिस के बारे में कहा गया है, इसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस टेक्स डिवाइड सोसाइटी इंटू फोर वर्णस बट ऑल्सो रेफर टू मोर न्यूमरस जातीज विच दे एक्सप्लेन एज द आउटकम ऑफ इंटरवर्णो मैरिजेस और वर्ण संकर। तो धर्मशास्त्र में कहा गया है यहाँ पे सोसाइटी में जो चार वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके बारे में कहा गया है। और इनके अलावा भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जातीज के बारे में कहा गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्ट के बारे में कहा गया है। इन सब जातीज का जो जो ओरिजिन हुआ था, ये बेसिकली जो इंटरवर्नल मैरिज हुए थे उनसे ये उभर के आए थे, नए नए जाति वर्ण संकर, मतलब दो वर्णों के बीच में शादी से जो बच्चे उत्पन्न हुए थे। नंबर टू, धर्मशास्त्र कंसीड दैट इट इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस पीपल कैन फॉलो द ड्यूटीज ऑफ देयर वर्णस। हर वर्ण के साथ उसका ऑक्यूपेशन जो था जुड़ा हुआ था। ब्राह्मण के लिए अलग ऑक्यूपेशन थे, क्षत्रिय के लिए अलग ऑक्यूपेशन थे, लेकिन धर्मशास्त्र में ये भी कहा गया है कि इमरजेंसी के टाइम में कोई व्यक्ति अपने वर्ण को छोड़कर भी दूसरे ऑक्यूपेशन को वो एक्सेप्ट कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पर। नंबर थ्री, दे रेफर टू द धर्म ऑफ डिफरेंट रीजन, देश धर्म, कास्ट, जाति धर्म एंड फैमिली कुल धर्म। तो धर्मशास्त्र में अलग अलग रीजनों में देश धर्म के बारे में कहा गया है। कास्ट का जो धर्म है उसको जाति धर्म कहा गया है, और परिवार के प्रति इंसान का जो कर्तव्य है उसे कुल धर्म कहा गया है। मानव धर्मशास्त्र और मनुस्मृति। मानव धर्मशास्त्र और मनुस्मृति एक ही चीज़ है। ये जनरली जो इसका जो कंपोजिशन का जो टाइम था, ये 2000 BC से लेकर 200 BC से लेकर 200 CE, इस टाइम पीरियड के दौरान मानव धर्म स्थिति और मनुस्मृति का कंपोजिशन कंप्लीट हुआ था, कंपाइल हुआ था ये। और अभी जो एक बहुत ही एक मोर रिसेंट जो व्यू आता है, वो इसका जो कंपोजिशन का जो टाइम है इसको आके खड़ा करता है 2nd से 3rd century CE क्रिश्चियन एरा में, इसको लाकर खड़ा करता है इसके कंपाइल होने के टाइम को। यहाँ पे मनुस्मृति से तीन या चार जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं कौन से रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल प्रैक्टिसेस थे उस टाइम में। तो मनुस्मृति फॉरबिड्स मैरिज बिटवीन अ मैन एंड द डॉटर ऑफ हिज मैटरनल पैटर्नल अंकल। तो मनुस्मृति ने एकदम इसको मना कर दिया है, कोई इंसान अपने माता या पिता के एंगल से किसी भी अंकल या मतलब आंट के डॉटर के साथ शादी करता है, तो इसे एकदम खारिज कर दिया गया है। मनुस्मृति में जो मेधातिथि थे जिन्होंने 10th century में इसी मनुस्मृति के ऊपर एक टीका लिखा था, कमेंट्री लिखी थी, ये कहते हैं दैट सच क्रॉस कजिन मैरिजेस आर अगेंस्ट धर्म। तो इन्होंने भी कहा है कि इस तरह का जो क्रॉस कजिन मैरिज है ये अगेंस्ट धर्म है, धर्म के विपरीत है। लेकिन माधव जो है 14th century कमेंटेटर ऑन द पराशर स्मृति। तो माधव जो है 14th century में इन्होंने एक कमेंट्री लिखी थी पराशर स्मृति के ऊपर। तो यहाँ पे माधव कहते हैं, वो अपने आर्गुमेंट को दिखाते हैं, आर्गुमेंट शोज दैट देयर आर नथिंग रॉन्ग विथ सच मैरिजेस साइटिंग वैदिक पैसेजेस एंड कस्टम्स। तो माधव इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये कहते हैं वेद और वेद से बहुत सारे पैसेज या जो रीति रिवाज थे वहाँ से वो उसको कोट करके उनको साइट कर उनके ज़रिए ये अपने आर्गुमेंट को सिद्ध करते हैं कि इसमें कोई खराब नहीं है क्रॉस कजिन मैरिज, तो ये चल सकता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि मनुस्मृति ने क्रॉस कजिन मैरिज को रिजेक्ट किया, मेधातिथि ने भी इसको रिजेक्ट किया जो कि 10th century के कमेंटेटर है मनुस्मृति के ऊपर, और माधव जो कि 14th century में पराशर स्थिति के ऊपर एक कमेंट्री लिखते हैं, ये क्रॉस कजिन मैरिज को मतलब वैधता प्रदान करते हैं। नंबर टू, जो मनुस्मृति से जो सोशल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है हमें कि मनुस्मृति कंडेम्स मैरिज बिटवीन ए दिव्य एंड शूद्र वुमन। मनुस्मृति में जो मैरिज है एक दिव्य पुरुष के साथ एक शूद्र वुमन की मैरिज को एकदम डिस्प्रूव किया गया है।
द्विज मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों ऊपर के तीनों वर्ण को ही द्विज कहा जाता था क्योंकि इनका दो बार जन्म होता था, तो इसलिए इनको द्विज कहा जाता था। जब वो सेक्रेट थ्रेड लेते हैं ये लोग, वो सेकेंड बर्थ कहलाता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस वर्ण के पुरुष के साथ शूद्रोमन की विवाह की निंदा की गई है। बट रिगार्डिंग डिविजन ऑफ प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द शेयर्स टू बी गिवन इन द सन्स टू द सन्स बॉर्न ऑफ ए ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य फादर बाय शूद्रोमन। लेकिन लेकिन और एक जगह पे ये कहते हैं जो प्रॉपर्टी का जो डिवीशन होगा, तो ये एक ब्राह्मण पिता, एक क्षत्रिय पिता और एक वैश्य पिता के द्वारा उनके जो शूद्र स्त्री है उनसे जो संतान उत्पन्न होंगे, तो उनके जो प्रॉपर्टी डिवीजन है उनको स्पेसिफाई कर दिया गया है। एक तरफ ये विरोध करते हैं, दूसरी तरफ प्रॉपर्टी डिवीजन हो रहा है। चलिए, मनुस्मृति स्टेट्स दैट ए विडो शुड नॉट रिमैरी। मनुस्मृति कहते हैं कि एक विडो को, एक विधवा को पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए। बट इट फिक्सेस द लेंथ ऑफ ए टाइम और दैट वेमेन शुड वेट फॉर ए हस्बैंड हु इज मिसिंग एंड लेस डाउन द इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ सन्स विथ वन मदर एंड टू फादर्स। तो मनुस्मृति एक जगह तो कहते हैं कि विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जगह वो फिक्स कर देते हैं टाइम की, एक लेडी वो कितने देर तक अपने हस्बैंड के लिए जो मिसिंग है उनके लिए प्रतीक्षा करेंगी, और उसके बाद जो इनहेरिटेंस राइट है जिस संतान के मतलब दो पिता है और एक माँ है, मतलब माँ की दूसरी बार शादी हुई है, तो उनका जो इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी राइट्स क्या होगा, तो इनके ऊपर भी डिस्कस कर किया गया है मनुस्मृति में। नंबर 4, इन प्लेस मनुस्मृति फॉरबिड्स द ईटिंग ऑफ मीट। एक जगह मनुस्मृति ने जो मीट है इसको खाने से मना किया है, लेकिन दूसरी जगह हाउएवर एल्सवेयर इट इंक्लूड्स मीट अमंग द आइटम्स टू बी ऑफर्ड टू द ब्राह्मण इनवाइटेड टू ए श्राद्ध। तो एक जगह तो मना करते हैं मीट खाना, लेकिन दूसरी जगह जब श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को निमंत्रित किया गया है तो उनको जो जो चीज़ें ऑफर होंगी खाने के लिए, तो उस लिस्ट में मीट का भी जिक्र है। तो ये है, तो बेसिकली हमें ये इन जो चार एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, तो इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। जो टेंशन था थ्योरी और प्रैक्टिस में, थ्योरी में कुछ और था और सोशल प्रैक्टिसेस कुछ और चल रहे थे, तो जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन था इस पे, तो यही हमें इन धर्मशास्त्र में देखने को मिलता है और यही रिफ्लेक्ट हुआ जो चारों एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे मनुस्मृति के। उससे आगे बढ़ते हैं। जो इस साल सेट में एक क्वेश्चन आया भी था उब्बेदी के ऊपर, तो सॉन्ग्स ऑफ बुद्धिस्ट नंस, ये पेज नंबर 25 में है, ये प्राइमरी सोर्सेस 5। उब्बेदी उब्बेदी का क्वेश्चन जो है सेट में आया था, तो चलिए। उब्बेदी वॉज ए वुमेन ऑफ श्रावस्ती। उब्बेदी श्रावस्ती के एक वेमन थे। शी अटेंड निर्वाण एज एन उपासिका दैट इज ले वुमेन। इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था उपासिका के तौर पे। ले वुमेन मतलब जहाँ पे जो प्रीचर्स हैं जैसे कि बुद्धा, ले वुमेन मीन्स जहाँ पे बुद्धा ठहरते थे, इनके पास ये ठहरते थे, मतलब रुकते थे, आश्रय लेते थे। तो जो लोग इन्हें आश्रय देते थे इन रिलीजियस प्रीचर्स को, तो इन्हें ले वुमेन कहा जाता था। जो टर्निंग पॉइंट था उबिरी के लाइफ में, ये टर्निंग पॉइंट था कि इनकी एक बेटी थी, जीवा नाम था उनका, तो वो जब मर जाती है तो बहुत रोते हैं, और उसी दौरान उनके साथ बुद्ध के साथ वो मिलते हैं, और उसके बाद वो बुद्ध के शरण में चले जाते हैं। शी वॉज लैमेंटिंग द डेथ ऑफ हर डॉटर जीवा एंड मेट बुद्धा एट द टाइम। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद उबिरी जो सॉन्ग यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो इन शॉर्ट जो सॉन्ग है यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रहा है उनके बीच और बुद्ध के बीच, भगवान बुद्ध के बीच। तो बुद्ध कहते हैं उबिरी 84,000 डॉटर्स ऑल विद द नेम ऑफ जीवा हैव बर्न्ड इन द फ्यूनरल पायर, फॉर विच वन डू यू ग्रीव।
तो बुद्धा जो सॉन्ग लिखते हैं वो बिली, इसमें एक कॉन्वर्सेशन है। तो बुद्धा कहते हैं कि 84,000 जो डॉटर्स है ये फ्यूनरल पायर में इनको जला दिया गया है, ये मर गए हैं, सभी का नाम जीवा था, तो तुम कौन से जीवा के लिए रो रहे हो। तो उसके बाद बिली कुछ और कहते हैं कि मेरे सीने में कुछ घाव था, तीर था, जो बुद्धा ने निकाल दिया, और उसके बाद मैं अभी बुद्ध धर्म और संघ के शरण में जा रही हूँ, जो कि बौद्धिज्म के तीन रत्न हैं, बुद्ध धर्म और संघ। तो ये था। और उसके बाद जो और जो एक बुद्धिस्ट नन थे मित्ता, तो एक बात कहना हम लोग भूल गए कि उबिरी का जो ये क्वेश्चन था सेट में आया था कि उबिरी, उसके बाद सेट का जो सीएससी ने जो आंसर दिया था उसमें इसको बुद्धिस्ट नहीं जैन नन कहा था शायद, तो ये चेंज होगा। अभी मित्ता के बारे में जान लेते हैं। मित्ता और एक बुद्धिस्ट नन थे, तो ये शाक्य वमन थे, एक कपिला वस्तु के शाक्य वमन मित्ता, बस इतना ही। और इनका जो सॉन्ग है वहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए क्या कहते हैं। जो नेक्स्ट प्राइमरी सोर्स है ये तामिल जो एपिक है शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई, इसके ऊपर ये डिस्कस किया गया है, प्राइमरी सोर्स नंबर 6 जो कि पेज नंबर 28 में है, जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो ज्वाइन कर लीजिए, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।